सिलेरियो पेट्रोल वेरिएंट जो कि भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है। इसमें भाई आपको सारी चीज़ बताएंगे, ऑटोमेटिक में ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा होता है और कितना, और सबसे बड़ी बात भाई गाड़ी कैसे चलती है, ऑटोमेटिक में कैसे ड्राइव करते हैं वो हाँ। सारी चीज़ बताएंगे आपको। और एक जो मैनुअल जिसने चलाई वो ऑटोमेटिक ड्राइव कैसे कर सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं भाई, कोई इतना बड़ा वो नहीं होता सीन, बस सिंपल है। ऑटोमेटिक पूछेंगे कि कैसे ड्राइव करते हैं सिलेरियो को, मतलब ऑटोमेटिक कार को कैसे ड्राइव करते हैं, तो भाई से पूछते हैं। चलो भाई तू सर आ जाओ। तो भाई ऑटोमेटिक गाड़ी में आपको एक ब्रेक मिलता है और एक एक्सेलेटर मिलता है, और क्लच नहीं मिलता, तो क्लच नहीं मिलता, क्लच का काम ब्रेक करता है अपना। और ये आप देख सकते हैं, ये है रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, और यहाँ से आप मैनुअल कर सकते हैं, ब्रेक दबा के आप प्रेस करके इसके गियर चेंज कर सकते हैं। और नीचे से ब्रेक दबाया तो सर आप मतलब जो राइट पैर से वो दबा रहे हो ब्रेक, वो लेफ्ट से, तो लेफ्ट से दबाते हैं राइट यूज करते हैं, एक तरह से तो राइट का ही काम है सारा, लेफ्ट तो अपना एकदम रेस्ट में रहता है पैर। हाँ तो भाई पूरा एक्सपीरियंस बताओ कि कैसे ड्राइव कर सकते हैं जो दिक्कत ना आए किसी को मैनुअल से जो स्विच करे इस पे। भाई पहली बात तो आपका बस एक पैर यूज में रहेगा, तो भाई एक और फोकस कर दो पैर की तरफ, तो जो ये पैर रिलैक्स में रहता है, ये तो रिलैक्स में, इसका ही काम रहना बस, सारा काम इसका है और कुछ भी नहीं है, इससे ही गियर चेंज होंगे। अब जैसे हमें बिल्कुल रोकनी है गाड़ी, तो वो कैसे रोकेंगे, रोकने का ब्रेक दबा दो अपने आप घेर उतर जाएंगे इसके, लो रुक गई, अब ब्रेक दबाए अपना, पहले ब्रेक दबाया बंद हो, बंद हो जाएगी जैसे एकदम ब्रेक छोड़ेंगे तो। हाँ नहीं बंद होने से सिर्फ ब्रेक से सिर्फ घेर लगेंगे बस, और कुछ नहीं। अब रिवर्स हो लिए अपने, अब ब्रेक दबाया फिर, मतलब इस पैर का तो कोई काम ही नहीं है लेफ्ट पैर का, बस राइट पैर का ही सारा काम है जो है। भाई इसमें गियर शिफ्टिंग कितनी कामयाब है, फुल है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। जैसे भाई थोड़ी सी एक्सीलेटर का दिखाओ जो सेकंड गियर से हो रहा है, अब ऐसे चाहे तो आप ये अपने बहुत ऊपर जाके गियर बन जाएगी, ब्रेक दबाओगे फिर अपने आप नीचे आ जाएगी। भाई इसमें गियर तो हर एयर पंप पे चेंज करती है, हाँ मतलब एकदम फुल, जब तक ये नहीं जाएगी ना इसकी स्पीड तब तक गियर चेंज नहीं होएगा, वरना आप खुद ही छोड़नी पड़ेगी पैडल फिर जाके ये अपने। और ये मैनुअल और प्लस का माइनस का ये सोच समझोगे, अब लो मैनुअल हो गई अब गाड़ी, अब आपकी गाड़ी जो स्पीड में है तो स्पीड में चल रही है, अब आपको अब मेरे को ये नीचे से चौथे पे करना पड़ेगा, चौथे पे पाँच घटाना है तो सिर्फ माइनस कर दो, ये तीसरे पे हो गए, फिर अगर इसको नॉर्मल करना है इसको साइड कर दो बस अपने नॉर्मल हो गए। और भाई अगर कम करना गियर जैसे बढ़ाना और फोर्थ से फाइव पे, सब भाई यहीं से ही होना है जो भी है। तो तुषार भाई ये पैर का यूज क्यों नहीं है जो साइड वाला है आपका, ये तो भाई तब यूज में होता है ना जब आपकी क्लच होती है, अगर आप दोनों पैर अगर वैसे हम इस पैर से ब्रेक दबाएं, क्योंकि अब जब आपकी रेस चल रही है आपको जब मंदी करनी है गाड़ी, तो रेस से तो पैर उठना ही है। हाँ भाई तो इसलिए इसका यूज है, ये तो सिर्फ क्लच का है, जब आपको ब्रेक छोड़ने तो रेस पे जाएगा पैर। और भाई जो मैनुअल चलाते हैं ना उसके बाद ऑटोमेटिक चलाते हैं तो उनको एक दिक्कत हो जाती है, जैसे वो ये वाला पैर फिर थोड़ा रेस्ट रहता, थोड़ा अजीब सा लगता है, सडन ब्रेकिंग करते हैं। तो भाई अब अंकित जैसे मैनुअल वो करता है गाड़ी ऑन, तो वो ड्राइव करके दिखाएगा, तो उसपे क्या क्या दिक्कत आती है वो और देखो आप। तो भाई अंकित को ड्राइव करने दो एक बार। तो भाई अंकित आप देख, सबसे पहले तो भाई ये पैर यूज कर रहे थे अभी, इस पैर को तो आप अपने भाई भूल जाओ, तो भाई थोड़ी सी रहती है इससे क्लिच दबा दे, तो सोचा सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर तो भाई कोई गियर की दिक्कत नहीं है, अपने आप रिलैक्स है। अब अंकित भाई रोक के दिखाइए कौन सी गाड़ी को, तो भाई रुक गई ऑटोमेटिकली गियर डाउन हो जाएंगे इसके, अब लो अब बंद नहीं होगी गाड़ी, बंद क्यों, बंद तो होनी नहीं है ऑटोमेटिक, ये तो फायदा भाई इसमें, चाहे 100 की स्पीड पे एकदम ब्रेक मार दो आप, जीरो कर दो, बंद होनी नहीं है भाई, ऑटोमेटिकली अपने गियर डाउन करेगी, तो मतलब इस पैर का यूज मत करो वरना सही है गाड़ी, बस राइट हैंड राइट पैर आपका यूज होगा बस। ऑटोमेटिक आती है एवरेज कम हो जाती है गाड़ी की, तो भाई जैसे आपने क्रेटा ऑन किया तो वो ऑटोमेटिक लेने क्यों मन नहीं बना, मैनुअल सीखनी थी ना हमको, इसलिए अच्छा भाई हमारे
चैनल पे एक चीज आने वाली है सरप्राइजिंग। क्या होने वाली है वो भाई? कार से रिलेटेड है वो चीज़। कार से रिलेटेड है तो आप नई कार लेकर आ रहे हो, ये तो बता देते हैं। चलो इनको तो वो कितने बजट की है वो भाई? लगा लो 17-18 लाख रुपए की। और भाई वेटिंग है ना भाई, ने बुक करवा दी भाई को, एक रात में सपने में वो ही आती है। तो भाई कितनी वेटिंग बोली थी वैसे उन्होंने? बोली थी भाई कम से कम 8 से 10 महीने। आठ से दस महीने और दिल्ली साइड जाओगे तो 1 साल प्लस वेटिंग है।